हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशास वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेकिंग हॉल जिसमें बेकिंग मटेरियल्स एंड टूल्स दोनों मिक्स हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया था और कुछ मैंने पहले परचेस कर लिया था बट मैंने आप लोगों को शो नहीं किया था। जो मेरा पहला बेकिंग टूल्स वाला जो वीडियो है, आपने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो वो भी जाके देखिएगा, उसमें भी बहुत सारा टूल्स मैंने शेयर किया था। बट उसके अलावा जो टूल्स मैंने अभी रिसेंटली या कुछ महीनों पहले परचेस किया था, मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर कर लो और उसका प्राइस के साथ मैं आपको बताऊँगी। तो आप बताइएगा आपके शहर में या आप जहाँ से खरीदते हैं आपका प्राइस लेस है या हाई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, ये सारा प्रोडक्ट मैंने लोकल मार्केट और केक रॉ मटेरियल शॉप से खरीदा है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा का लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर जाके देखिए, अमेजोन का लिंक दे दूंगी। और ये है पहला आइसिंग नाइफ का सेट, इसमें 3 आइसिंग नाइफ है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अगर मेरा पर्सनल रिकमेंड है कि आप ज़रूर खरीदेगा। ये है, इसको मुझे 180 रुपीज़ पड़ा था। उसके बाद ये है छलनी, इसे मुझे 120 रुपीज़ का था बट 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया, मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था। उसके बाद ये है कपकेक मोल्ड, ये मुझे 250 में मिला था। ये एल्युमिनियम का है, बहुत अच्छा है ये, इसमें आप लाइनिंग रख के कपकेक बेक कर सकते, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये है एक स्ट्रॉ जिससे हम जब स्टेप केक या डबल टू टायर केक सब बनाते हैं तो उसमें डाल के इसे हम सपोर्ट देते हैं हमारा केक को, ताकि हमारा ऊपर का लेयर नीचे बैठ ना जाए। ये देखिए ऐसा होता है ये, इसको मुझे 105 रुपीज़ पड़ा था। ये सब मैंने केक रॉ मटेरियल शॉप से ख़रीदा था। उसके बाद ये है स्क्रेपर, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आप केक को स्मूथन करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है ये, आप एक टुक लेने से बस है। देखिए मुझे 30 रुपीज़ पड़ा था ये। चलिए उसके बाद ये है सिल्वर बॉल्स, देख सकते हैं, मुझे 150 रुपीस में मिला था। ये एक पैकेज में आया था बट वो पैकेज मुझसे फट गया, इसीलिए मैंने एक बॉक्स में डाल के रखा है। बहुत ही अच्छा, आप डेकोरेशन कर सकते हैं इसका, डेकोरेशन के साथ मैंने केक का वीडियो करा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखिए। ये देखिए ये कुछ नोजल्स है, ये देखिए नोजल का सारा डेकोरेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। ये देखिए मुझे 70 रुपीस में पड़ा था। ये छोटा वाला मुझे 30 रुपीस में पड़ा था। ये देखिए ये सारा छोटा वाला मुझे 30 रुपीस में मिल रहा था। ये फ्लावर लिफ्टिंग फ्लावर नोज़ल है, ये देखिए ये लीफ नोज़ल है, ये देखिए ग्रास नोज़ल है। इसका सारा का साथ मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा केक टिप्स का वीडियो जाके देखिएगा। ये देखिए ये है प्लास्टिक नाइफ, ये जो हम केक के ऑर्डर देते हैं तब उससे उसके साथ देते हैं, मुझे 5 रुपीस ईच में पड़ा था बट ये मैंने एक लोकल स्टोर से ख़रीद लिया था। ये देखिए ये है स्प्रिंगल्स, ए बी स्टार स्प्रिंगल्स, ये मुझे 150 रुपीज़ में पड़ा था। उसके बाद ये है एसेंस, ये चॉकलेट एसेंस है, मुझे 45 रुपीज़ में मिला। और ये है कलर जेल कलर, ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला। ये मैजिक कंपनी का कलर है, ये इंडिया का ब्रांड है मैजिक जो कंपनी है। और ये सब है लिक्विड कलर्स, ये मुझे 30 या 40 रुपीज़ में मिला है, किसी का रेट 30 है किसका रेट 40 है, तो उस तरह में मिला। इसमें रेड पर्पल ब्लू ऑरेंज सब है। फिर उसके बाद ये देखिए ये लिक्विड कलर है और ये जेल कलर है, दोनों में फ़र्क है। ये है बटर एसेंस, मुझे बहुत कमेंट आया था बटर एसेंस शो करने के लिए। ये है बटर एसेंस, इसका बड़ा बोतल भी मिलता है आपको और ये 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये वनीला एसेंस, ये देखो वनीला एसेंस मैंने बड़ा बोतल खरीद के रखा है, ये 271 रुपीज़ में मिला है मुझे। ये देखिए ये है पाइपिंग बैग, ये मुझे 175 रुपीज़ पड़ा है। इसमें 100 पैक ऑफ पाइपिंग बैग रहता है, ये यूज़ एंड थ्रो है बट आप दो बार या तीन बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार यूज़ करने के बाद फेंक देना, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले मैंने एक पैक लिया था, वो मुझे 1.5 ईयर तक चला, अभी भी उसमें कुछ पैकेज बाकी है बट मैंने जब शॉप किया था तो ये नया पैक ले लिया था। उसके बाद ये है मोड़ा का चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ये कंपाउंड, ये बहुत ही अच्छा चॉकलेट है, कंपनी भी बहुत अच्छा है। ये देखिए 90 रुपीज़ पे पड़ता है डार्क चॉकलेट, बहुत ही अच्छा कंपनी है। और ये वाइट चॉकलेट कंपाउंड, ये आके 150 रुपीज़ पड़ता है आपको, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आके ये
पुडिंग ट्रे, ये आके मुझे 400 रुपीज़ में पड़ा है। मैंने एक लोकल स्टोर से ख़रीदा था और ये हीट रेजिस्टेंस है, आप इसे ओवन में भी रख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये कुछ केक मोल्ड, ये मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा था, मैं केक रॉ मटेरियल शॉप से ख़रीदा है, बहुत ही स्ट्रांग है। और ये आके मैंने विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदा था, ये चीप क्वालिटी है, एकदम बेकार क्वालिटी है, अच्छा नहीं है, एक 99 रुपीज़ में मिला, ठीक है रेट के हिसाब से चलेगा मुझे। फिर उसके बाद ये एक डॉल केक मोल्ड है, मुझे 270 रुपीज़ में पड़ा है, ये भी मैंने केक रॉ मटेरियल शॉप से ख़रीदा था, स्ट्रांग है एकदम, बहुत अच्छा क्वालिटी है। चलिए उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये है 8 इंच मोल्ड, इसे मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा था, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदा था, उसका भी क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बट रेट के हिसाब से चलेगा। और ये है ब्रेड बनाने के लिए या तो टी केक बनाने के लिए, इसका रेट मुझे 350 रुपीज़ पड़ा था और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, हर तरफ से ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा एल्युमिनियम में भी मिलता है सेम ऐसा ही, उसका रेट थोड़ा कॉस्टली है। चलिए उसके बाद ये है ग्लास बोल, ये देखिए छोटा वाला ग्लास बोल है जिसमें मैं एग और व्हिपिंग क्रीम बीट करती हूँ, उसका प्राइस मुझे 300 पड़ा था, ये और हीट रेजिस्टेंट है, इसे आप ओवन में भी रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरम होने से भी कुछ होता नहीं है। ये देखिए ये बड़ा वाला है, ये मुझे 600 रुपीज़ में मिला था, ये अब बहुत ही अच्छा ग्लास बोल है, देखिए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, ये स्टार रिच का स्टार व्हिप व्हिपिंग क्रीम, ये मुझे 150 रुपीज़ में पड़ा है और ये ब्रांड मुझे ज़्यादा पसंद है, रिच का कोई भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम अब बहुत ही अच्छा होता है, रिच का ब्रांड और रिच स्टार रिच सिल्वर और स्टार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रिच गोल्ड भी बहुत अच्छा है। और ये है एक बोटल जो मैंने 120 रुपीज़ में ख़रीदा है, इसमें मैं शुगर सिरप बनाकर स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, बहुत ही अच्छा है, एक सॉस बोतल का तरह ही है बट ये थोड़ा बड़ा बोतल है ताकि मैं बहुत सारा एक साथ स्टोर करके रखूँ, इसीलिए यूज़ करती हूँ, मुझे कभी भी ऑर्डर मिल जाता है ना इसीलिए। उसके बाद ये केक बोर्ड है, मैंने 2 तरह का केक बोर्ड लिया था, ये 7 इंच का है और ये 10 इंच का है, 7 इंच का मुझे 90 रुपीज़ में मिला था और 10 इंच का मुझे 109 रुपीज़ में मिला था, ये देखिए देख सकते हैं, ये दोनों को मुझे 10-10 पीसेस मिला है। उसके बाद ये है केक बॉक्स, ये 7 इंच का केक बॉक्स है जो मुझे 100 रुपीज़ में मिला है 10 टुक, और ये देखिए ऐसा दिखता है, ये मैंने कवर कर दिया वरना आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, इसीलिए मैंने उसको पैक करके दिखा रही हूँ। उसके बाद ये है 10 इंच का केक बॉक्स, ये देखिए 10 इंच का केक बॉक्स, ये मुझे 120 रुपीज़ में 10 टुक मिला है, देखिए भी बहुत अच्छा है, ये सब आप पैकेजिंग करके जब केक ऑर्डर देते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए 2 टुक, इसमें आप 1/2 kg का रख सकते हैं और बड़ा वाला में आप 1 kg and 2 kg रख सकते हैं। ये है बटर पेपर जो मुझे एक बटर पेपर को 3 रुपीज़ में मिला है और ये मैंने लोकल स्टोर से ही ख़रीद लिया, आपको कोई भी लोकल स्टोर में मिल जाता है बटर पेपर, आजकल सारा जगह मिलता है 3 रुपीज़ में, तो मैंने 20 रुपीज़ में 5 ख़रीद लिया था, 5 or 6 ख़रीद लिया। और ये है डॉल केक का, जो हम डॉल केक कवर करते हैं तब हमारा साइड में लगाने का या क्रिसमस केक को पैक करने का पैकेजिंग है, ये भी 3 रुपीज़ में मुझे ईच मिला है। ठीक है, मैंने सारा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर दिया है, अगर आपको इसमें से किसी का भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकती है। उसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करना है और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग निशास वर्ल्ड।